आज बात करने वाले हैं हेम्प पुष्पा सिरप के बारे में। चलिए जानते हैं हेम्प पुष्पा सिरप किन किन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है और हेम्प पुष्पा सिरप में क्या क्या सामग्री डाला गया है और इसके MRP और डोज के बारे में जानेंगे। हेम्प पुष्पा महिलाओं के लिए एक स्वास्थ्य टॉनिक है और प्राकृतिक हर्बल और पौधों के अर्क से बना है। हेम्प पुष्पा दो पैकेजों में मिलता है, 170 ml के बोतल में मिलता है और दूसरी है 454 ml के बोतल में मिलता है। हेम्प पुष्पा सिरप 170 ml के बोतल का MRP है 258 रुपीस, 454 ml के बोतल का MRP है 550 रुपीस। हेम्प पुष्पा कोई भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। चलिए जानते हैं हेम्प पुष्पा सिरप में क्या क्या सामग्री डाला गया है। मुख्य सामग्री है लोधरा, मंजिष्ठा, अनंतमूल, बाला, गोखरू, शंखुपुष्पी, मुशाली, पुनर्नवा, अश्वगंधा, बाक, धुईफूल, दारू हल्दी, गंभीर, नागरमोथा, शातावरी। चलिए जानते हैं हेम्प पुष्पा टॉनिक किन किन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। पुष्पा सिरप पेशाब के दौरान जलन या गहरे रंग के पेशाब जैसी मूत्र संबंधी समस्याओं को ठीक करता है। हेम्प पुष्पा गुर्दे की कार्यों को सुधारता है, कम वजन के महिलाओं के लिए वजन बढ़ाने में भी मदद करता है। हेम्प पुष्पा सिरप शटलत्री संबंधी समस्याओं के इलाज में मदद करता है। हेम्प पुष्पा सिरप हार्मोन संतुलन को बनाए रखता है और हार्मोन और संतुलन का इलाज करता है। मासिक धर्म को नियमित करता है, मासिक धर्म के दौरान शरीर के दर्द से भी राहत पहुंचाता है, पीठ के दर्द और अन्य सभी दर्द को कम करता है। हेम्प पुष्पा सिरप गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित है। हेम्प पुष्पा रक्त प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और रोगों से लड़ने में मदद करता है। हेम्प पुष्पा सिरप के डोज सुबह और शाम खाना खाने के बाद 7 ml करके दिन में 2 बार लिया जा सकता है। फिर भी दोस्तों हर मरीजों के मामले अलग अलग होते हैं, इसलिए डोज भी अलग अलग हो सकता है। इसीलिए दोस्तों हेम्प पुष्पा सिरप को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर हमेशा मरीजों के उम्र, उनकी लिंग, उनकी वजन, उनकी समस्या, उनकी पिछले समस्याओं को देकर ही कोई भी दवा को सजेस्ट करते हैं। इसीलिए दोस्तों कोई भी दवा लेने से पहले कृपया डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।